बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान और इस इज़ मास्टर में खुश आमदीद। आज हमारे पास है ये दो रंग का वाटर कूलर और इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि ये पानी ठंडा नहीं कर रहा, जबकि जो है वो इसमें ये इसका जो है वो कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ये स्टार्टर है जो इसे स्टार्ट देता है। इसके बाद ये इसका कॉइल है, ये आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी इसमें आइस आई हुई है। और ये चल तो रहा है, तो अभी एम्पेयर चेक करते हैं। ये एम्पेयर के जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारा 8.19 एम्पेयर जो है वो लोड 19-20-21 जो लोड चल रहा है। तो ये 2 टन का कंप्रेसर, इसको कम से कम मिनिमम जो है वो 12 और मैक्सिमम 13 एम्पीयर जो लोड है वो लेना चाहिए अपनी एक्यूरेट कंडीशन में। तो चलें इसके साथ अभी प्रेशर भी चेक करते हैं क्या है, किसके गैस का प्रेशर कितना है, फिर डिसाइड करते हैं कि असल में प्रॉब्लम हुआ क्या है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस टाइम इस पर गैस का प्रेशर जो है वो 30 शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा गैस जो है वो लीक हो गई है। तो लीकिंग ट्रेस करते हैं, चेक करते हैं कि लीकिंग आया कि कहाँ से है। तो अभी लीकिंग चेक करने के लिए बेसिक फार्मूला ये है कि आप देखें अगर कहीं से कोई ऑयल वगैरह निकला हुआ है, ऑयल वगैरह आया हुआ है आपके सिस्टम में, तो वो एक रीज़न हो सकता है गैस लीकिंग का। मगर अब हम चेक कर चुके हैं कि हम कहीं भी आज जो है वो नज़र नहीं आए। तो इसका पिन वॉल्व है जो लगा होता है, अक्सर वो लीकिंग कर जाता है क्योंकि हीटअप होके उसमें गैस जो है वो निकलती है। तो हमने वॉल्व को जो है वो चेंज कर दिया, अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे और प्रेशर पूरा करेंगे, तो उसके बाद आपको हम प्रेशर और एम्पीयर चेक करवाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो है वो गैस का प्रेशर पूरा कर दिया है और इस वक्त हमारा जो गैस का प्रेशर है वो आपको दिखा सकते हैं क्लियरली, तो 60 PSI हमारा जो है वो। जी तो व्यूअर्स, देख सकते हैं आपके इस वक्त 60 PSI हमारा जो प्रेशर है, हमने इसका प्रेशर जो है वो सिलेंडर के साथ लगा के जो है वो रेफ्रिजरेंट पूरी कर दी है और हमारा जो है वो कंडेंसर भी अच्छी तरह हीट हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि एम्पेयर भी हमारे जो है वो 12 एम्पेयर ले रहा है। तो अब हमारा सिस्टम जो है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लो रेफ्रिजरेंट की वजह से जो हमारी आइस आ रही थी वो अभी मेल्ट हो गई है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।